हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स टू योर बेबी। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी मेरी है अभी 9 ईयर्स की होने वाली है और मेरा बेटा 10 मंथ्स का है। तो इस वीडियो में मैं मेरे दोनों बच्चों के सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके साथ ही साथ मैं न्यू मॉम्स को गाइड करने की कोशिश करूंगी जिन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है सॉलिड इंट्रोड्यूस करते टाइम पर। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके कि क्या करें क्या ना करें, तो मैं कोशिश करूंगी कि हर एक टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करें। तो देखिए, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें बच्चे को सॉलिड कब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, 6 मंथ डॉक्टर्स भी बोलते हैं, इंडिया में तो 6 मंथ ही बोलते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो रहा है, इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसे सॉलिड्स पे लाना स्टार्ट कर दे। बहुत सारे लोग 5th मंथ में भी करा देते हैं, वो भी सही है, और बहुत से लोग 6 मंथ में भी कराते हैं, वो भी सही है। बेसिकली आपको आपके बच्चे की एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि क्या आपका बच्चा सॉलिड लेने के लिए रेडी है। जैसे कि क्या आपके बच्चे की जो गर्दन है वो संभल गई है, अभी भी क्या वो सहारा लेता है कि वो अपना हेड जो है उसे सीधा रख लेता है, क्या आपके बच्चे ने बैठना स्टार्ट कर दिया है, अगर आप उसे मुंह में कुछ डाल रहे हैं तो क्या वो गटक रहा है, क्या वो खुद से मांगता है खाना, जैसे कि वो आपको देखता है। तो बच्चे अक्सर अट्रैक्ट होते हैं ना फूड की तरफ, क्या आपका बेबी भी बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, ये सारे सिग्नल्स होते हैं कि वो सॉलिड लेने के लिए अब रेडी है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है सॉलिड स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद में जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे का, तो आप इंस्टेंटली मैश्ड फूड पर आपको स्विच नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है प्यूरे के साथ में, पिसे हुए खाने के साथ में। मेरे बेटे को सॉलिड मैंने 6 मंथ स्टार्ट होने के अराउंड 3-4 डेज पहले से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल 10 डेज मैंने सिर्फ उसे 1 मील दिया था। थ्रू आउट डे वो मिल्क पर रहता था, लेकिन 1 मील मैं उसे सॉलिड की देती थी, प्यूए की। तो जैसे ही आप अपने बेबी का सॉलिड स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 10 डेज आपको सिर्फ एक बार ही उसको प्यूरे देना है। फिर 10 डेज देने के बाद में जब आपको लगे कि हाँ अभी 1 मील के बाद में अब ये 2 मील लेने के लिए रेडी है, तो फिर धीरे से उसको आप 2 मील्स अ डे में शिफ्ट कर दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सॉलिड स्टार्ट होते ही ऐसा ना करें कि जितनी बार हम खाते हैं उतने बार ही बच्चे को भी खिलाएं, नहीं, उसे आप मिल्क में ही रहने दें। बस उसे शुरुआती के 10 दिन में एक बार आप प्यूरे दें, देन उसके बाद से आप दिन में 2 बार उसे प्यूरे देना स्टार्ट कर दें, जब तक कि 1 महीने पूरे ना हो जाए। सॉलिड स्टार्ट करते टाइम हम बेबी को क्या खिलाएं, ये सोचना जितना इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी सोचना है कि हम बेबी को कैसे फूड इंट्रोड्यूस करें, कैसे खिलाएं ताकि वो थ्रू आउट प्रोसेस कंफर्टेबल रहे और आगे जाके सेल्फ ईटर बने, खुद से खाए। तो इस चीज के लिए थैंकफुली मुझे तो इन दोनों स्पून्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिसमें से जो फर्स्ट स्पून है ना वो है लवलैप की टाइनी लव हीट सेंसिटिव फीडिंग स्पून सेट। इसमें आपको 2 स्पून मिलेंगे और इस पर्टिकुलर स्पून सेट का ना ये खासियत है जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये हीट सेंसिटिव है। जैसे ही अगर आप इसको थोड़े गर्म खाने में डालते हैं ना, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये बच्चे को खिलाने लायक है कि नहीं है। तो आप टेम्परेचर स्पून के अकॉर्डिंग ही चेक कर लेंगे, तो कोई टेंशन भी नहीं है, बच्चे को ज्यादा गर्म खाना मुंह में जाने का डर ही नहीं है। प्लस ये FDA अप्रूव्ड है, नॉन टॉक्सिक है, BPA फ्री है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सिलिकन से बना हुआ है इसका जो टिप है ना वो, और इसका जो ग्रिप अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से इसको ग्रिप कर लेते हैं, हैंडल को अच्छे से कर लेते हैं। फूड ग्रेड मटेरियल से बना है, सल्फेट और लेड फ्री है ये। तो मुझे पर्टिकुलरली ये जो स्पून है ना, ये इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ये हीट सेंसिटिव है, तो बच्चे का मुंह जलने का ना कोई टेंशन नहीं रहता है। एंड देन इसके बाद में ये जो नेक्स्ट स्पून है ना, ये है यम यम स्पून, और ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी अगर आप अभी अपने बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करा रही हैं तो, बिकॉज इसकी बहुत सारी खासियत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये न्यू सेट रखा हुआ था मेरे पास, मैं भी राम भी यूज करता था पहले, बट अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो अभी थोड़ा कम यूज करना स्टार्ट किया है। ये देखिए, ये 2 स्पून आपको मिलेगी ये यम यम स्पून के सेट में, जिसमें से ये है स्टेज 1 स्पून और ये है स्टेज 2 स्पून। तो पहले हम स्टेज 1 स्पून देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ भी उल्टा और सीधा वाला सिस्टम नहीं है। तो क्या होता है, बच्चों को पता थोड़ी होता है कि हमें स्पून से ऐसे उठाना है और फिर ऐसे डालना है, नहीं, ये आप देखेंगे तो हर तरफ से सेम है। बेबी इसको नॉर्मली ऐसे प्यूरे में डिप करते हैं और जब इसको उठाते हैं तो इसमें सिर्फ उतना ही फूड चिपका होता है इसके स्ट्रक्चर की वजह से, जितने की उनको जरूरत है। तो इनिशियली चोक होने का भी कोई टेंशन नहीं है, इसका जो ग्रिप है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, और इसका ये जो पूरा आपको डिजाइन
दिख रहा है ना, और इसका जो ये मटेरियल है ये सब ना टीथिंग को भी स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छा, उसके गम्स को स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये है स्टेज 2 यम यम स्पून। इसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में कुछ ऐसे डिजाइन है, तो ये अगर आप पतले प्यूरे से थोड़े से गाढ़े प्यूरे में, जैसे आप 7-8 मंथ में मूव होते हैं तो एकदम पतले प्यूरे से आप हल्का हल्का उसे गाढ़ा करते जाते हैं, तो वैसे केस में ये स्टेज 2 स्पून यूज आता है। इससे आपको आपके बेबी को अगेन प्यूरे में डाल के देना है तो इसमें उतना ही फूड आएगा जितने की उसके उसको जरूरत है और चोकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट स्पून सेट्स है, आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही इनएक्सपेंसिव भी है, मुझे क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की एलर्जीज का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना करें कि आपने जैसे ही बच्चे को सॉलिड में डाला आप एक साथ उसको खिचड़ी बना करके खिला दे रहे हैं या फिर 2-3 तरीके के फ्रूट्स का उसको प्यूरे बना करके खिला दे रहे हैं। नहीं, आपको एक एक चीज एक एक दिन में ट्राई करना है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज को 3 दिन तक के खिलाए ताकि आपको पता चले कि बच्चे को उस चीज से एलर्जी है कि नहीं, बट मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने जनरली 1 से 2 बार ही किसी एक चीज को ट्राई किया था। जैसे कि अगर मैं पालक का प्यूरे खिला रही हूं तो मैंने 1 या 2 दिन सिर्फ वो ही खिलाया और देखा कि इससे कोई एलर्जी तो नहीं है। एप्पल अगर मैंने खिलाया तो एप्पल भी पहले मैंने 1-2 दिन वही एप्पल ही खिलाया, फिर देखा कि एप्पल से कोई एलर्जी तो नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी न्यू फूड आप जब बेबी को दे रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सब्जी हो, फ्रूट हो या फिर अनाज हो, तो कोई एक चीज को ही एक मील में दे, मिक्सचर बना करके स्टार्ट ना करें। जब आपको लगे कि हाँ बच्चा इस पर्टिकुलर फूड को लेके कंफर्टेबल हो गया है, इस पर्टिकुलर फूड को लेके कंफर्टेबल हो गया, तो आप फिर उसके बाद उसको मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे कि आपका बेबी अगर राइस के साथ में कंफर्टेबल है, आलू के साथ में कंफर्टेबल है, तो उसके बाद में आप राइस और आलू का उसको खिचड़ी टाइप या कुछ प्यूरे बना करके दे सकते हैं। देन इसके बाद में बताएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे का एनवायरमेंट आप ऐसा बनाएं कि वो खुद से खाए और मजे से खाए। जिसके लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, खाने की तरफ कंसंट्रेट होने दो, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जब तक मेरे बेटे को राइम्स नहीं सुनाती हूँ ना, तब तक वो नहीं खाता। वो डिस्ट्रैक्ट जब तक नहीं होता ना राइम्स के लिए, तब तक वो खुद से नहीं खाता है या नहीं खाता है। तो मुझे उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है राइम्स गा करके। थैंकफुली स्क्रीन टाइम का अभी तक के कोई आदत नहीं डला है। इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए ना मुझे ऐसा लगता है एक हाई चेयर होना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसको हैबिट हो जाती है 6 महीने से। जब उसे पता रहता है कि अब मेरी मम्मा ने मुझे इसमें बिठाया है, दैट मीन्स अब मेरा खाना खाने का टाइम है। जैसे ही आप उसे 6 महीने की उम्र से ये आदत डाल देते हैं ना, तो वो धीरे धीरे बड़ा होते हुए उसको वो एनवायरमेंट मिल जाता है कि मैं अब इस चेयर पे बैठा हूँ, दैट मीन्स अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो मैं तो राम को जब वो 6 मंथ का, जैसे ही उसका सॉलिड इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने उसको हाई चेयर पर ही बिठा करके खिलाना शुरू किया था, एंड वो काफी ज्यादा एंजॉय करता है अपनी हाई चेयर पे। मैं लवलैप का ही हाई चेयर यूज करती हूँ। तो मैं तो राम के लिए ना ये हाई चेयर यूज करती हूँ, जो कि 4-in-1 डिजाइन हाई चेयर है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है लो चेयर में भी, और इसका जो ट्रे है ना वो भी रिमूवेबल है, तो आप रिमूव करके आराम से वॉश कर सकते हो। बच्चे ने अगर खाना खाते टाइम इसको गंदा कर दिया या कुछ भी कर दिया तो, और आप इसको एज बेबी टेबल यूज कर सकते हो, इवन बूस्टर चेयर के तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो अपने घर की चेयर पर इसको फिक्स करके। 5-point सेफ्टी हार्नेस है, बेबी को बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर रखता है, और नॉन स्लिप है, नीचे से स्लिप होने का भी कोई डर नहीं है, और इसकी फोल्डिंग वगैरह भी काफी इजी है। मुझे जब जरूरत नहीं होता इसका तो मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, जब जरूरत होती है तो ओपन कर लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा ऐसा स्पेस भी नहीं लेता है। तो ऐसे अच्छे हाई चेयर में इन्वेस्ट करने से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है मेरे बेबी की ईटिंग हैबिट्स को अच्छी करने के लिए। देन एक चीज और है जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बच्चे को खाना खिलाएं तो उसको प्रॉपर क्लीनलीनेस के साथ में खिलाएं, चीजों को बहुत ज्यादा मैसी ना होने दें। अपनी तरफ से तो ये कोशिश करें, बिकॉज बच्चे मैसी बना देते हैं हर चीज को, तो कोशिश करें कि आप जब भी बच्चे को खाना खिलाने बैठ रहे हैं तो उसे प्रॉपर आप बिब वगैरह लगा करके बैठें। मैं तो ये लवलैप का जो सिलिकॉन का बिब दिख रहा है ना आपको, जनरली यही यूज करती हूँ। काफी अच्छी क्वालिटी का है, वॉशेबल है, और जो भी खाता है ना वो आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो फैलने की, गंदगी होने की कोई टेंशन नहीं है। और इसकी जो सिलिकॉन क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, वाटरप्रूफ है ये जो पर्टिकुलर बिब है, ये BPA PVC फ्री है, 100% सॉफ्ट सिलिकॉन है, दैट डजंट मीन कि उसमें से गंदी बदबू आए, बिल्कुल भी कोई सी स्मेल नहीं आती सिलिकॉन की। और इसमें ना 4 बटन्स है पीछे, तो आप अपने बेबी के नेक के साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। बच्चा छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको आगे आप लगा सकते हैं, बच्चा बड़ा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग इसका 4th नंबर का जो बटन है ना वहां इसको लगा सकते हैं। और ऑरेंज कलर का है ना तो बेबी गर्ल हो या बॉय हो दोनों में चल जाता है।
और वाटरप्रूफ होने की वजह से ऐसा भी नहीं कि कुछ हम प्यूरे या कुछ गीला खिला रहे हैं तो आपके बिब में गिरा तो फिर भी वो कपड़े में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो बिब में ही रहता है और नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है। तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये जो पर्टिकुलर बिब है ना ये। और इसके अलावा जब आपके बच्चे का खाना हो जाए, बिब को निकालो, बिब को अच्छे से वॉश कर लो, फिर बच्चे के फेस को भी आप अच्छे से वाइप से क्लीन कर लें ताकि ना रैशेज हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो ना खाना खिलाने के बाद बच्चे का चेहरा, तो बच्चे को ना रैशेज हो जाते हैं, दाने दाने से हो जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा वाइप्स यूज करें, जैसे कि मैं लव लैब का वाइप यूज करती हूँ जिसमें कि एलोवेरा है, तो बच्चे की जो स्किन है ना वो नरिश भी होती है और किसी भी तरीके के रैशेज होने का टेंशन नहीं होता है। एंड जो फूड ट्रे होती है उसको तो मैं क्लीन करना हर मील के बाद में कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो डिटैचेबल भी है, बस निकाला क्लीन करा नेक्स्ट टाइम की फीड के लिए रेडी है। मुझे जब मेरे बेटे को इवनिंग में फिंगर फूड देना होता है ना तो मैं डायरेक्टली वो ट्रे पर ही रख देती हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग उठा उठा करके खाता है। एंड यस, 6 मंथ के बाद से आपको बेबी को थोड़ा थोड़ा पानी देना भी स्टार्ट करना होगा। मील तो आप दिन में 1 या 2 बार देंगे धीरे धीरे, मतलब आप 1 से 2 बार में मूव करेंगे, लेकिन हर मील के बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी। अभी बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज अभी भी वो आपके फीड पर है, फीड से उसे पानी मिल रहा है, बट स्टिल जब आप उसे थोड़ा सा प्यूरे दे रहे हैं तो उसके बाद हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी देना भी की भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी की बॉडी में फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स सारी चीजें जानी चाहिए। तो मैं तो ऐसा करती थी कि मैं ब्रेकफास्ट जो है वो उसको किसी फ्रूट का प्यूरे दे देती थी, और लंच में मैं उसको किसी वेजिटेबल का प्यूरे दे देती थी, एंड इवनिंग में जब मैंने 3 टाइम्स स्टार्ट किया था तो मैं इवनिंग में उसको सीरियल्स दे देती थी जैसे रागी वगैरह हो गया। और जब मैंने सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी थी तो मैं क्या करती थी, जैसे पालक का सूप और राइस दे दिया, इस तरीके से चीजों को कंबाइन करके भी देना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आप एक चीज का ध्यान रख तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सीरियल सारी चीजें आपके बेबी के बॉडी में जाए और उसे न्यूट्रिशियस चीजें मिले। सिर्फ पेट भरने के लिए खिलाना ये चीज हमें नहीं चालू करना है। और 6 महीने की उम्र में फिंगर फूड देने की जरूरत नहीं है आपको, पोस्ट 7 मंथ आप बेबी को फिंगर फूड दे सकते हैं। लोग बोलते हैं कि 2 फिंगर फूड, बट मैंने तो 6 मंथ और 7 मंथ में उसको फिंगर फूड नहीं दिया था, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था। एंड फिंगर फूड या फिर पोस्ट 7 मंथ मैंने कैसे दिया क्या और मैंने कैसे उसे खुद से थोड़ा बहुत खाना सिखाया, वो वीडियो भी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना कि बेबी का जब फूड हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। सो यहां पर फिनिश हो रहा है मेरा ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल था तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।